हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इन फिगर 6.33 पी क्यू एंड आर एस आर 2 मीटर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड इंसिडेंट रे ए बी स्ट्रिक द मिरर पी क्यू एट बी। द रिफ्लेक्ट रे मूव्स अलॉन्ग द पाथ बी सी एंड स्ट्रिक द मिरर आर एस एट सी एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलॉन्ग सी डी। प्रूव दैट ए बी पैरेलल सी डी। यहाँ पर देखिए, हमें इसको प्रूव करना है, जो ए बी है ये सी डी के पैरेलल है और पी क्यू एक मिरर है, दूसरा मिरर आर एस है, इन दोनों मिरर को पैरेलल रखा गया है। अब यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस प्रकार से। तो ये परपेंडिकुलर जब ड्रा करेंगे इस पर और इस पर, तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, क्योंकि जो पैरेलल लाइन पर अगर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है तो वो दोनों परपेंडिकुलर आपस में पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर ये और ये जो ड्रा करेंगे ये क्या होगा, पैरेलल होगा। अब चूंकि हम जानते हैं ये एंगल बन रहा है इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्ट एंगल, इसी प्रकार यहाँ पर ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्ट एंगल, तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्ट एंगल होता है इक्वल। ठीक है, तो पहले तो हम इसको लिख देते हैं बी ड्रा ड्रा अ परपेंडिकुलर ड्रा परपेंडिकुलर एट पॉइंट बी एंड सी, मतलब एक बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और एक पॉइंट सी पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। और जो गिवन है उसको भी लिख देते हैं, गिवन दैट पी क्यू पैरेलल है आर एस के, अगर ये पी क्यू जो है वो आर एस के पैरेलल है, तो देयर इम्प्लाइड ये जो बनेगा हमारा, इसका कुछ नाम दे देते हैं अगर यहाँ पर ई और इसका नाम एफ, तो ये बी बी ई एंड एफ सी ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। तो बी ई पैरेलल टू एफ सी या सी एफ लिख देते हैं। ठीक है, अब ये दोनों भी पैरेलल हो गए। और बी नो दैट हम जानते हैं कि जो इंसिडेंट एंगल होता है वो रिफ्लेक्ट एंगल के इक्वल होता है। वी नो दैट इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्ट एंगल। ठीक है, यानी कि हम जानते हैं क्या है कि ये जो इंसिडेंट एंगल है ये रिफ्लेक्ट एंगल के इक्वल होता है। अब इसी प्रकार यहां पर जो इंसिडेंट एंगल है ये हो जाएगा और ये रिफ्लेक्ट एंगल हो जाएगा, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। चूंकि हमें प्रूव करना है ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, तो ए बी सी डी के पैरेलल है, तो देखिए यहां पर इसको और आगे थोड़ा सा बढ़ाएं इस प्रकार, तो ये जो लाइन बन रहा है ये ट्रांसवर्सल बनना है इस पर, ए बी पर और सी डी पर ये ट्रांसवर्सल बनना है। तो यहां पर ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर हम इन दोनों एंगल को इक्वल दिखा दें तो हम बता देंगे कि ये जो लाइनें हैं ये पैरेलल है। ठीक है, तो इन दोनों एंगल को हमें इक्वल दिखाना है। चूंकि बी ई और एफ सी या सी एफ ये दोनों पैरेलल हैं, इसलिए ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ई बी सी और ये एंगल इक्वल होगा बी सी एफ के। और क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर बन रहे हैं। इंटीरियर एंगल, देखिए यहां पर अगर हम इस वाले एंगल में, यानी इस वाले एंगल में इसको ऐड करते हैं, इस वाले में इसको ऐड करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं और इसके इक्वल ये है और इसके इक्वल ये है, मतलब ये वाला भी इसके इक्वल होगा। तो इस वाले एंगल में हम इसको ऐड कर देंगे और इस वाले एंगल में इसको ऐड कर देंगे, यानी कि एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई और प्लस में ये एंगल हो जाएगा ई बी सी इक्वल में। इसी प्रकार हम इस वाले में इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल एफ सी बी या बी सी एफ, तो एंगल बी सी एफ और प्लस में एंगल हो जाएगा एफ सी डी। ठीक है, यहाँ ब्रेकर में बता देंगे कि चूंकि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा एक दूसरे के, तो एंगल ए बी ई इज इक्वल टू में एंगल हो जाएगा एफ सी डी। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये एंगल और ये एंगल जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल ए बी सी, तो एंगल ए बी
सी, और इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा बी सी डी। अब यहाँ पर जब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल हो गया तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इस वाले लाइन के लिए। जब चूंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है इसलिए ए बी और सी डी जो होगा वो पैरेलल होगा। यहाँ पर दियर इम्प्लाइड ए बी जो होगा वो सी डी के पैरेलल हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा, इसको लिख देते हैं कि इफ ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। इस प्रकार हमें जो प्रूव करना था ए बी पैरेलल है सी डी के, हमने प्रूव किया।